भैया क्या नाम आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आप राशन लेके आए, आपको प्रॉपर मिला राशन यहाँ? आज मिला है ना, आज मीडिया ये पुलिस आई है इसलिए मिला है आज। आज प्रॉपर मिला? आज मिला है। हाँ, उससे पहले हर बार कम ही मिलता है। कम ही मिलता है? हाँ। देखिए सर, सबसे पहले मेन बात ये है कि इनका यहाँ पे ये रूल है कि एक से लेके सारी राशनों की दुकान पे, चाहे अपने संगम विहार की हो, कहीं भी अदर जगह हो, एक से लेके 9 तारीख तक आपका राशन बढ़ता है। पर इसी दुकान का एक ऐसा रूल ऐसा है कि अगर 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, 3 तारीख हो, 3 तारीख के बाद में यहाँ राशन नहीं मिलता। यहाँ डेट, यहाँ बस यहाँ पे डायरेक्ट, एक मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट एक ही चीज़ बोली जाती है, 26 तारीख को आप आना, आपको 21 तारीख को मिलेगा या 26 तारीख को राशन मिलेगा। पर उस दिन जब आओ तब कहते हैं कि सॉरी भैया राशन आया ही नहीं। अभी चावल की गाड़ी आई थी, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है वीडियो की, उसने मेरे से कहा कि मैं पूरे साल राशन देने, चावल देने आया हूँ, पर यहाँ पे अभी तक हमें 1 साल से चावल नहीं मिला। पूरी पब्लिक से आप पूछ सकते हो, 1 साल से चावल नहीं मिला? नहीं सर, और मेरे पास उस चावल वाले की वीडियो भी है, अभी आया था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, उससे मैंने मुंह से ये भी कहलवाया कि आप आए थे पूरे साल भर, उसने कहा मैं आया लेकिन यहाँ पे चावल की एक भी, मुझे एक बूंद चावल यहाँ पे नहीं दिया गया। और अभी भी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास हजारों की संख्या में लोग हैं, और जो यहाँ पे कोटा जिसके पास है उसके पास 3 दुकान यहाँ पे है, मगर यहाँ पे आज तक इन लोगों को चावल तो कभी नज़र आया ही नहीं, चीनी और गेहूं के अलावा 1 साल से चावल नहीं आया। भाई थोड़ा गैप करके पीछे पीछे हो ना, और वो भी जो चीनी और गेहूं है वो भी प्रॉपर नहीं मिल रही जितना उनको मिलना चाहिए। और जैसे कि कोरोना की महामारी यहाँ पे चल रही, उसको देखते हुए लोगों में बड़ा गुस्सा नज़र आ रहा, और यहाँ पे जो मैं ये कहूँगा दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पे मौजूद है जो कि गैप दे के यहाँ पे लोगों को खड़े कर रहे। मगर सबसे बड़ी बात है कि राशन प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा इनको, इसकी जाँच होनी चाहिए। कंप्लेंट करने पे पुलिस आती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए सर, एक बात और कहूँगा कि अगर ये चावल पूरी हर जगह पे चावल भी मिलता है और चीनी मिलती, चीनी तो नहीं मिलती फिलहाल, चावल मिलता है हर जगह, लेकिन उस रेट में मिल रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप पर एक वन पर्सन को 6 किलो, वो 5 किलो चावल गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है, लेकिन यहाँ पे मिलता है वो भी ज्यादा रेट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहना चाहिए? बोलूंगी, बोलो। 4 मार्च को भी मीडिया वाले आए थे और हमने न्यूज भी दी थी, अब इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हो, वो टीवी सबकी न्यूज ले गए। अच्छा, टीवी पे आई नहीं? आई नहीं। हाँ, ना कुछ हुआ। मीडिया का अपना अपना होता है, आप लोगों के पास मोबाइल है? हाँ, सबके पास अच्छे मोबाइल है, हर घर में। और हमें यूट्यूब 1 साल हो गई चावल नहीं आए, अभी गाड़ी आई चावल की पब्लिक के सामने, 4 बोरी 5 उतारी और आउट कर दी, 1 साल से चावल नहीं मिल रहा हम लोगों को। और सब दुकानों पे आता है, इसमें कौन कौन मिले हुए हैं, किस किस पे आप आ रहे हैं? सब मिले, विधायक सब परेशान, एशियन मार्केट में हम शिकायत करने जाए तो हमसे पहले ये बैठा होता है। कौन है? प्रकाश जारवाल। वो कभी बोलता नहीं इस चीज के, वो भी नहीं आता ही नहीं है, कंप्लेंट करने पे आता ही नहीं है। प्रकाश जारवाल विधायक वही है। पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? वो है सुरेश चौधरी। वो कभी आती नहीं? ये राशन की दुकान है और यहाँ पे कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन बनी हुई है। जी जी, आपके पास है कॉन्टैक्ट? जी सब। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं और थोड़ा पीछे लग रहा हूँ जी।
सर ऐसा है कोरोना वायरस की वजह से हमें इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप सुबह से लेकर शाम तक राशन बांटें। ठीक है, ग्राहकों को संतुष्टि है नहीं आज की तारीख में, आप खुद देख सकते हैं कि क्या सब जगह लगाने के बाद एक भी। वो बात आपकी ठीक है, मगर वो पहले की शिकायत कर रहे कि पहले भी यहाँ पे राशन प्रॉपर नहीं मिल रहा। राशन सर प्रॉपर बट रहा है, कम मिल रहा है यहाँ पे, हमें भी लोगों से बात करके आए जी। ऐसे कैसे कह सकते हैं किस चीज़ के बारे में? राशन की आप बराबर दे रहे सर, और क्या राय है आपके सामने? आप चलो जनता के बीच में चलो बोलो कि प्रॉपर राशन दे रहे हैं हम, नहीं प्रॉपर हर महीने राशन बढ़ता है दे रहे हैं आप, जनता सारी कह रही है कि प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा है। हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे, यहाँ के लोग आरोप, यहाँ की जनता बोल रही है सर। आज की तारीख में आप माने ना माने परेशान सब है, नहीं परेशान सब है मगर उससे पहले भी यहाँ पे शिकायत इस तरह से जो बिहेवियर हो रहा है इस तरह से बिहेवियर नहीं हुआ। पास यहाँ पे राशन की चार दुकानें हैं, चार कॉन्टैक्ट आपके, तीन दुकानें हैं सर, तीन है। हर दुकान का हर सेल्समैन अलग अलग बट रहा है जी। भैया राशन प्रॉपर मिलता है यहाँ? बिल्कुल नहीं मिलता भाई, राशन नहीं मिलता है, राशन मिलता है, मिलता भी नहीं, मिलता भी चावल भी नहीं दिए राशन की कार्ड है इसके पास, छह कार्ड है इसके पास, अभी कम मिलता है, कैसे पचास पैसा पचास कम मिल रहा है क्या? ये अभी कम मिल रहा है या पहले से? अभी पहले दो साल पहले राम राम से बोलो, ये राशन यहाँ पे पहले से राशन पहले से कम मिल रहा है? क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ गेहूँ और चीनी देता है, चावल तो दिया ही नहीं है दो तीन साल से। गेहूँ और चावल ये देता है, में राशन नहीं मिला, नहीं मिला कल जो में राशन नहीं देते हैं, महामारी चल रही है, सही से राशन दे सर तो हम आए ना इतने भीड़ में। जैसे कि यहाँ पे जो लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं जो ये राशन की यहाँ पे तीन तीन दुकान इनके पास है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉपर राशन नहीं दिया जा रहा। हमने जो राशन बांटने वाला उससे बात की, वो कह रहा कि नहीं मैं प्रॉपर आपको दे रहा जी। सर ये आरोप नहीं हकीकत है, आरोप नहीं हकीकत है सर। सामान दो रुपया किलो गेहूँ मिलता है, यहाँ ढाई रुपया मिलता है, जब से दुकान खुले बराबर जब से ही कम मिलता है हमेशा, और गए और गाड़ियाँ और बकते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।